सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद रखिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो हाँ? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी क्या होगा प्लुरल होगा, इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश में वर्ब पर केवल सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है ऑब्जेक्ट का नहीं। अंग्रेजी की क्रिया सिंगुलर या प्लुरल तो अवश्य होती है पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होती। और एक बात, वर्ब का नंबर वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का रहता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आता है। वाक्य के वर्ब की कोई अपनी अलग हस्ती नहीं होती, वह सदा सब्जेक्ट पर निर्भर रहती है, इसलिए हमने कहा एस एस और पी पी सदा याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लुरल के साथ प्लुरल। जैसे कि ही गोज सिंगुलर हो गया ही गोज, पर वे लोग दे गो प्लुरल के साथ प्लुरल। नोट के रूप में मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि भाई सिंगुलर वर्ब कैसे होता है, प्लुरल वर्ब क्या होता है। देखिए मैं आपको दो तुलना बता दूँ, नाउन जानते हैं आप और वर्ब, इस तरह समझिए सिंगुलर प्लुरल सिंगुलर हो गया। नाउन को जानते हैं बुक है, इसका प्लुरल क्या होगा एस लगा देंगे बुक्स, तो यहाँ एस लगाने से एक वजन का बहुवचन बन गया। भैया अंग्रेजी में भर में कुछ अलग होता है, भर में क्या है ना जो गो है वो प्लुरल है, इसमें एस एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, समझ में आ गया। ठीक इसी नियम से जब एस लगाते हो एस ई एस आई एस जो भी आप लगाते हैं प्लुरल बनाने के लिए, वही चीज़ यहाँ भी लगेगा उसी परिस्थिति में लगेगा, पर ये उसी प्लुरल बन सिंगुलर बन जाएगा प्लुरल नहीं बनेगा। यहाँ लगाने से सिंगुलर बन प्लुरल बनता है, क्रिया में लगाने से सिंगुलर बनता है, और बुक के साथ गोज होगा और बुक्स के साथ गो होगा, ये एग्रीमेंट है सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्लुरल के साथ प्लुरल। अपवाद भी हैं इसके, सर अपवादों की चर्चा में यहाँ पर विस्तार से नहीं करने पा रहा हूँ, इतना बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए डेयर नॉट नीड नॉट एक जैसे डेयर नॉट भाई होना चाहिए डेयर्स फ्रेश नहीं है डेयर नॉट नीड नॉट ये अपवाद है। सेकेंड जैसे जैसे कि कोई कल्पना होता है सुपोजिशन तो भी होता है, या आशीष हो इच्छा हो अभिलाषा हो तो भी अपवाद यहाँ हो जाता है। तो अपवाद क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं बाद में बात करूँगा, फिलहाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप समझ गए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब प्रयोग होता है। ठीक है धन्यवाद।